टीम इंडिया के टेस्ट और वनडे कप्तान रोहित शर्मा दूसरी बार पिता बन गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी पत्नी रितिका सजदेव ने 15 नवंबर को देर रात बेटे को जन्म दिया। हालांकि रोहित और रितिका की ओर से अब तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है। रोहित ने अपने बच्चे के जन्म के लिए टीम इंडिया से ब्रेक लिया था, वहीं टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया भी नहीं पहुंचे। हालांकि बेटे के जन्म के बाद माना जा रहा है कि वो 22 नवंबर को शुरू होने वाले पर्थ टेस्ट में खेल सकते हैं। रोहित ने 13 दिसंबर 2015 को रितिका सजदेव से शादी की थी। 30 दिसंबर 2018 को रितिका ने बेटी समायरा को जन्म दिया। समायरा अब 6 साल की हो चुकी है और उन्हें भाई की खुशी भी मिल गई है। रोहित ने दूसरे बच्चे के जन्म के लिए ही क्रिकेट से ब्रेक लिया था। उन्होंने सीरीज शुरू होने से पहले ही कह दिया था कि बच्चे के जन्म के चलते वो पहला या दूसरा टेस्ट मैच मिस कर सकते हैं। अब बेटे के जन्म के बाद माना जा रहा है कि रोहित कुछ दिनों के बाद ही ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे। रोहित के अलावा टीम इंडिया के बैट्समैन केएल राहुल भी जल्द ही पिता बनने वाले हैं। उन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस आतिया शेट्टी से पिछले साल जनवरी में शादी की थी। रिपोर्ट्स की माने तो राहुल जनवरी 2025 में पिता बन सकते हैं। इसी साल जनवरी में विराट कोहली भी दूसरी बार पिता बने थे। उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा ने बेटे अकाय को जन्म दिया। वही टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में 32 साल बाद 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने गई है। सीरीज का पहला टेस्ट मैच 22 नवंबर से पर्थ में खेला जाएगा। टीम फिर 6 दिसंबर से एडिलेड में डे नाइट टेस्ट खेलेगी। इसके बाद सीरीज का पांचवा और आखिरी टेस्ट मैच 3 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC के फाइनल में पहुंचने के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया में 4 टेस्ट मैच जीतने होंगे।